जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ ज़ीशान रज़ा। निकाह नामे पर तलाक से मशरूत हर जाना गैर कानूनी करार जो है वो दे दिया गया है। तलाक देने से मुतलिक निकाह नामे पर दर्ज हर जाने की शरायत इस्लामी कवानीन के यकसर खिलाफ हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने बीवी को तलाक देने की सूरत में निकाह नामे पर शौहर से हर जाना अदा करने से मुतलिक शरायत से मुतलिक अहम फैसला जो है वो जारी कर दिया है और अदालत ने निकाह के वक्त तलाक देने की शरत भी रकम जेवर प्रॉपर्टी हर जाने देने का वादा करना गैर कानूनी जो है वो करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने 9 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया है। अदालत आलिया ने फैसले में जो है वो करार दिया है कि शौहर को अपनी बीवी को तलाक देने का मुकम्मल हक हासिल है। तलाक देने में शरीयत और कानून में कोई भी शर्त नहीं की आयद की गई। लाहौर हाईकोर्ट ने करार दिया है कि अल्लाह ताला ने शौहर को तलाक देने का जो मुतलिक हक दिया है, वाजिया रहे कि सुप्रीम कोर्ट भी शौहर को बीवी को तलाक देने से रोकने को गैर कानूनी करार दे चुकी है। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा है कि ना इंसाफी पर मबनी तलाक देने से मुतलिक जो है वो निकाह नामे पर दर्ज हर जाने की शर्त जो है वो इस्लामी कवानीन के यकसर खिलाफ है। शौहर जब चाहे अपनी बीवी को जो है वो तलाक दे सकता है, इस को किसी भी जो है वो शर्त का पाबंद वो नहीं है और शर्त पाबंद जो है उसमें नहीं किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद सजाद ने फैमिली कोर्ट और सेशन कोर्ट जलालपुर पीरवाला के फैसलों को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आपको वीडियोस मौसूल हो सकें। अल्लाह हाफिज़।